शशांक मनोहर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पहले स्वतंत्र चेयरमैन बन गए हैं। खास बात यह है कि वो तत्काल प्रभाव से आईसीसी की कमान संभालेंगे। उन्होंने मंगलवार को ही बीसीसीआई प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए मनोहर एकमात्र उम्मीदवार थे और उनका चयन सर्वसम्मति से हुआ। चुनाव प्रक्रिया के प्रभारी स्वतंत्र ऑडिट कमेटी के चेयरमैन अदनान जैदी ने चुनाव पूर्ण होने की घोषणा करते हुए शशांक मनोहर को चेयरमैन घोषित कर दिया। इसी साल अप्रैल में आईसीसी के नियमों में आए बदलाव के बाद पेशे से वकील मनोहर पहले स्वतंत्र चेयरमैन हुए हैं। आईसीसी में भी एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू है, ऐसे में उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। इससे पहले मनोहर आईसीसी के एडहॉक चेयरमैन थे। उन्होंने यह पद नवंबर 2015 में एन श्रीनिवासन के हटने के बाद संभाला था। उन्होंने बीसीसीआई से अपने इस्तीफे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष अपनी नुमाइंदगी छोड़ने का भी ऐलान किया था। उनको अक्टूबर 2015 में जगमोहन डालमिया के बाद दोबारा बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया था। शशांक मनोहर अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें डालमिया के निधन के बाद बीसीसीआई प्रमुख बनाया गया था और अब उन्हें आईसीसी का चीफ बना दिया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।